701 तो मतलब मुझे ये आईसी को उतारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। मैं इस आईसी को देखो सर, इस आईसी को रिवॉल्व करूंगा या चेंज करूंगा, और अगर तब भी यहाँ पे जीआर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ। तो अब मैं इस आईसी को अंदर तक इसके 92 और 93 पैड के साथ यहाँ पर बीप ये चेक करूंगा कि ये बाहर तक जुड़ा है कि नहीं। तो इसके लिए हम आईसी को काउंट करते हैं। ये चीज समझ में आई? आईसी काउंट क्यों करते हैं? ट्रैक मिस हो रहा है। आईसी काउंट क्यों करते हैं? 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Very good. क्या आया? ये 92 आया और ये क्या आया? 93। ये चीज समझ में आई? 92 और 93 डाल दो तो ये ऊपर बीप आना चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. देखो तो मैं एक सिरा यहां पर लगा रहा हूं इसके साथ, इस रजिस्टर के साथ, बीप के साथ, और एक सिरा यहां पर इन दोनों में से एक पे ही लगाऊंगा। देखो ग्राउंड पे बीप आ रहा है क्या? No, sir. आ गया बीप? Yes, sir. मतलब ये 92 पे कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? 92. मतलब ये पी वाला सिरा है। कौन सा सिरा है? पी वाला। और अब एक सिरा मैं इसके साथ लगाऊंगा यहां पर 92. ये यहां बीप नहीं आना चाहिए ना ऊपर। ये चीज किस किस को क्लियर हुई बताइए? पक्का? तो यहाँ देख पा रहा हूँ फोन इनका चालू हो गया है, पावर आईसी इन्होंने निकाल के लगाया है, तीसरे दिन के क्लास में। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 11 बजे क्लास कब स्टार्ट हुई थी? 8 बजे। अभी क्या बजे? भाई सवेरे क्या क्लास थी हमारी? सुबह 8 बजे 4G फोन से पावर आईसी निकाल के लगाया। किस किस ने लगाया? हम सभी ने लगाया। अभी ये बताओ मेरे को कि आपकी दोपहर में क्लास किसके साथ थी? देव सर के साथ। किस लेवल का नॉलेज मिला आपको? बहुत। मतलब ये कहीं YouTube की हिस्ट्री में देखा है किसी? हमने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिया, उसके अंदर एनालिसिस करके आपको टेबल बनाई। आपका पीसीबी देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? बदला सर। किसका बदला? हम सबका बदला। सबका बदला? हां सर। चलिए ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल किस क्या क्लास है आपकी? सीपीयू। ठीक है, और आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक ताली जोरदार हो जाए आपके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। कल मजा आ जाएगा। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। क्या नाम है आपका? विशाल सैनी। कहाँ से? देवरिया। देवरिया से है। तो चलिए बताइए आज आपका कितने दिन का क्लास हुआ? आज तीसरा दिन का क्लास। तीसरे दिन के क्लास में आज आपका क्या कॉन्सेप्ट था? आईसी को निकाल कर लगाना, चालू सेट। चालू सेट से पावर आईसी निकाल के लगाने का कॉन्सेप्ट है आज। तो एक बात तो ये सारे स्टूडेंट कर रहे हैं जी, और आप भी कर रहे हैं जी। कौन से फ़ोन में कर रहे हैं? MI Note 5 Pro। चालू है फ़ोन ये? Note 5। ये चालू है फ़ोन? चालू है। तो इसमें लाइव आप पावर आईसी निकाल के दोबारा लगाने वाले हैं जी? चलिए ठीक है, निकालिए। देख पा रहे होंगे फ़ोन बिल्कुल चालू है, और इसमें ये चालू फ़ोन से पावर निकाल के लगाएंगे, बैटरी चार्ज नहीं है। तो चलिए ठीक है, निकालिए पावर। करेंगे
Thank you.
सिल्वर वाला किसके पास है भाई? बताओ यहाँ पे चलो फ़ोन इनका चालू हो गया है, पावर आईसी इन्होंने निकाल के लगाया है, तीसरे दिन के क्लास में कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के इसी टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो?
वो जरूर है, जरूर है, जरूर है। तीन दिन के अंदर पॉसिबल है क्या कि कोई पावा ऐसे निकाल के चालू फोन से निकाल के लगा दे, फोन को चालू भी कर ले? नहीं नहीं, मतलब यहाँ पर सब कोई लगा ले रहा है, लगा ले रहा है। प्रेस्टिक बहुत अच्छा मिल रहा है, प्रैक्टिस मिल रहा है। जो ट्रिक्स है यहाँ का, वो ट्रिक्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ट्रिक्स तो बहुत बेस्ट है, ऐसी रिवॉल्विंग का भी और लगाने का भी, लगाने का भी। अभी अभी आगे भी आपको बोर्ड क्लास है तो यहाँ देख पा रहे होंगे फोन इनका चालू लोगों पे आ गया है, जैसा कि पहले था बैटरी लो था, अभी भी बैटरी लो है, इन्होंने पावर ऐसे निकाल के लगाया है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आज आपका तीसरे दिन का क्लास था, आज आपका लाइव चालू फोन से पावर आईसी माउंट रिमाउंट का क्लास था, तो कैसा लगा आज का क्लास? बहुत अच्छा लगा सर, आज आईसी निकाल के लगाए फिर ऑन किए और मोबाइल चालू हुआ आपका फोन? हाँ, एक ही बार में चालू हुआ सर, आईसी चालू हुआ वन टाइम में सर। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आज? एकदम बहुत अच्छा रहा सर। आज जो देव सर के साथ कॉम्प्रेंट का क्लास खत्म हुआ आपका कल, आज आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास? यस, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। जो रिव्यू आप देखते थे चालू फोन का, चालू करते थे तीसरे दिन में, यस सर, तो अभी आवाज रिव्यू आप भी दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो फेक था या आप जो रिव्यू दे रहे हैं वो फेक? एकदम रियल ही रियल, रियल है, रियल है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वो भी नेपाल से साथ में आए क्या दोनों लोग? दोनों साथ में, साथ में है, साथ में है। तो ऐसा क्यों नहीं किया कि आप आके सीख लेते, आप उनको बता देते? नहीं सर, वैसा यहाँ का एक्सपीरियंस वो भी लेना चाहता हूँ, वो भी लेना चाहते थे। तो ओवरऑल आज आपकी तीन दिन की क्लास हुई, पहले दिन में आपको कॉम्प्लेंट बताया गया, दूसरे दिन में कॉम्प्लेंट बताया गया। जब आप पहले दिन सुबह में आए थे, जब आपकी क्लास 8 बजे से लगी थी, तो उस टाइम पर आपने क्या किया था? उस टाइम में सुबह को शुरू दिन में EMMC रिवॉल्व करके, और दूसरे दिन में क्या किया था आपने? दूसरे दिन में पावर CPU रिवॉल्व किया था, पावर, और आपने आईफोन का CPU रिवॉल्व किया था? यस। कौन से स्टेंसिल से किया था रिवॉल्व आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से CPU रिवॉल्व करना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है सर। कहाँ पॉसिबल है? यहाँ एशिया टेलीकॉम, यहाँ पॉसिबल है। तो दो दिन के अंदर आपने IC रिवॉल्विंग सीखा, कैसा लगा आपको? एकदम अच्छा। यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिक ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हैवी हो? ट्रिक अच्छा है सर, यहाँ ट्रिक अच्छा है। इसके पहले आप मोबाइल के फील्ड में कब से थे? मोबाइल के फील्ड में 2-3 साल से है, लेकिन इतना कुछ नहीं आता था मुझे। IC पे कभी काम किया था? कभी नहीं किया था। और अभी तो आज तीसरे दिन में आप चालू फोन से पावर IC निकाल के आपने फोन को चालू किया है? नहीं किया। आज पावर IC निकाल के जियो का उसको ऑन मोबाइल से फिर रिबॉल करके लगाए, चालू हो गया। चालू हो गया। तो जैसा कि हम बोलते हैं पैसा वसूल, पैसा वसूल है कि नहीं है? पैसा से भी ज़्यादा वसूल है। ज़्यादा वसूल है मतलब ब्याज के साथ? ब्याज ब्याज सब है। रिबॉल किया कम से कम 4 से 6 बार बताया उन्होंने, उसके बाद फिर इसको हमने अपने से निकाला, लगाया और अधिकतर लोगों ने इसको चालू किया, और लेकिन क्लास तब तक ख़त्म नहीं हुई जब तक एक एक स्टूडेंट ने इसे चालू नहीं किया था। तो ये सबसे अच्छी बात है कि क्लास का ड्यूरेशन समय से नहीं है, क्लास का ड्यूरेशन हर एक स्टूडेंट के ऊपर है कि वो जब तक, जैसे सर प्लीज़ वो वाइट बोर्ड दिखा दीजिए प्लीज़, क्योंकि वो रोज़ हम भरते हैं, तो वो वाइट बोर्ड दिखाइए। तो यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे जो नाम लिखा हुआ है, ये सब सारे लाइंस में नाम लिखा हुआ है, 28 स्टूडेंट है, और 28 स्टूडेंट ने लाइव चालू फोन से पावर IC निकाल के चालू किया। सर ये कोई कंपटीशन नहीं है होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पूरी गिनती नहीं हो जाती तब तक क्लास खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं होता। कौन सा कॉइल है, कौन सा आपका बूस्ट कॉइल है, कौन सा आपका कैपेसिटर है, कौन सा आपका रजिस्टर है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। पहली जो दो क्लासेस हुई थी उसमें हमको यही सिखाया जा रहा था कि इंट्रोडक्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है और उनकी वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसकी, जैसे मैं शुरू में ही बताया था, उसकी हमने जो रीडिंग होती है एज पर जो भी सेट होता है उसका वैल्यू, उसके हिसाब से हमने रीडिंग लिया, फिर वापस से उसको निकाला और लगाया, रिवॉल्व करके लगाया और ऐसे निकल के फिर बैठा के ऑन के चालू फोन से पावर IC निकाल के लगाया है आपने, मानिए माउंट रिमाउंट किया आपने। हाँ सर। तो फोन चालू हुआ आपका? हाँ चालू हुआ सर। इससे पहले आप मोबाइल के फील्ड में कितने दिनों से? वो 3 साल से रिपेयर नहीं करता था, ओनली स्पेयर पार्ट्स का काम करते थे। तो अभी आप रिपेयरिंग कर पाएंगे? कर पाएंगे। मैं कोई से भी बोल दूँ पावर IC कोई से भी फोन का निकाल के लगाने के लिए, तो आप निकाल के लगा देंगे? निकाल के लगाते हैं सर। काफ़ी दिन से ऐसे टेलीकॉम को फ्लो कर रहा था, यहाँ अच्छा लगा और स्टूडेंट का रिव्यू भी देखा, इसीलिए यहाँ आया। इसलिए रिव्यू देख के आप अगर ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन किए हैं तो जो रिव्यू आपने देखा था और जो रिव्यू आज आप दे रहे हैं, जो आपने देखा था वो फेक है या फिर जो आज आप दे रहे हैं वो फेक है? सर फेक कोई नहीं है, वो भी सही था, आज भी जो दे रहा हूँ वो भी एकदम सही है।
मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे 100 of 100 का रेशियो है कि नहीं? अगर यहाँ पे 28 स्टूडेंट हैं तो 2800 ने फ़ोन चालू किया नहीं? यस सर, 28 के 100 से भी ऊपर का यहाँ पर रेशियो है। करूँ कंपोनेंट्स की, बिना कंपोनेंट्स के नॉलेज का कोई एडवांस लेवल का काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आज जो देव सर के साथ आपकी क्लास हुई है आईसी आइडेंटिफिकेशन की, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उस क्लास का तो जवाब ही नहीं है, बहुत बढ़िया क्लास है। आज आपको बोर्ड का, जैसे कि सर बोलते हैं कि देखने का नजरिया बदल देंगे, नजरिया बदला नहीं? बदल गया। आज हर एक फोन को सीपीयू देख के आप बता पाएंगे कि इसमें आरएफ कौन सा लगा होगा, पावर कौन सा लगा होगा, सेकंड पावर कौन सा लगा होगा? बिल्कुल बता दूंगा, सारी चीजें बता पाएंगे। बिल्कुल बता दूंगा। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ऐसा कुछ कोई सा भी क्लास, अभी 3 दिन के क्लास में कोई सा भी ऐसा क्लास आपको टफ लगा क्या? नहीं, कोई नहीं, सारे क्लास को इजी करके देते हैं, नहीं देते? बिल्कुल, ट्रिक बहुत अच्छी है यहाँ की, ट्रिक्स अच्छी हैं। ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर कोई एक ही टीचर आपको पढ़ाता हो यहाँ पे? नहीं नहीं, अलग अलग टीचर हैं यहाँ। चलिए ठीक है, और क्या बोलेंगे जो आपको देख के एसेट टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, पैसा वसूल है। पहले दिन के क्लास में पावर एसी रिवोल्व किया था, दूसरे दिन क्लास में सीपीयू रिवोल्व किया था, और आज तीसरे तो डबल टेकर का सीपीयू भी किया था और आईफोन का सीपीयू। ये जो डबल टेकर का आपने सीपीयू रिवॉल्व किया था, पर्टिकुलर यूनिवर्सल किया था या फिर किससे? यूनिवर्सल यूनिवर्सल से पॉसिबल है डबल टेकर का? एकदम है सर, एकदम है। ट्रिक जैसा यहाँ बताया गया था उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। लोगों ने सुबह ऑन फोन था तो आज सुबह में इसका पावर ऐसी हम लोगों ने खोला और इसको फिर से दोबारा लगाया। 3 दिन के अंदर पॉसिबल है कोई भी इंस्टीट्यूट आपको निकाल के चालू फोन से पावर आईसी निकाल के दोबारा से फोन चालू करवा ले? ये केवल एशिया टेलीकॉम के लिए पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। यहाँ जिस हिसाब से ट्रिक्स, वैसे मैं पहले भी आईसी रिवॉल्व करता था छोटा मोटा, लेकिन जैसा सर ने बताया उस हिसाब से किया, एकदम एक बार में परफेक्ट बैठता है और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रिक आपको बहुत हैवी लगती हो? नहीं नहीं नहीं, जो हैवी है उसको ईजी कर दिया जाता है, ईजी कर दिया जाता है शॉर्टकट में। चालू हैंडसेट से पावर आईसी निकाल करके रिवॉल्व करके उसमें लगाई और हैंडसेट चालू करा। चालू भी किया आपने? हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो आपने फ़ोन चालू किया है, वन टाइम में किया है या फिर कितनी बार में किया? वन टाइम में किया मैंने, तो मैं फ्रेश हूँ, मैंने कभी मोबाइल नहीं खोला था यहाँ से पहले, ये रियलिटी है। मेरा मोबाइल एक्सेसरीज का होलसेल का बिजनेस है, लेकिन मैकेनिक या मोबाइल इंजीनियरिंग में मैं कभी नहीं देखा। तो अभी आप कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि बगल में मैंने कोई रिसिप्ट आपको लिख के दी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा हूँ कि यही बोलना, नहीं कोई ज़बरदस्ती बोलने का नहीं है, जो रियलिटी है वही बोल रहे हैं। कितनी कितनी पावर आपको मिल सकती है देखने के लिए? चार चार पावर आईसी का सर्किट सर ने बताया, नहीं बताया? हाँ, लोगों को एक्चुअली जो नॉर्मली मार्केट में वर्क कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको शायद ये भी नहीं पता होगा बहुत लोगों की, कि टाइप्स ऑफ सीपीयू कितने होते हैं। अच्छा। जो भी देव सर ने बताया टाइप्स ऑफ सीपीयू, उसके अलावा फिर जो बाकी की जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट लगी होती है, इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है उन्होंने ये भी डिफाइन किया, तो वो काफ़ी नॉलेजेबल थी आज की क्लास भी, और हाँ इंटरेस्टिंग भी थी। और उसके बाद फिर एमडी सर ने उसको जो प्रैक्टिकल जब करवाया तो जो भी किसी के डाउट रह गए थे वो भी बहुत क्लियर हुए उसमें। രണ്ടാമത്തെ ഋഷി ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് വൈസ് ഐ സിയിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫെയിലായതാണ് സംഭവം, പക്ഷേ ഇന്ന് ഒന്നിലധികം തവണ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ എം ഡി സാറ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ഞാനത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. എൻ്റെ പോയിൻ്റ് പേ വോൾട്ടേജ് അതിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓഡിയോ സെക്ഷനിൽ റിസീവർ ഐ സിയിൽ വരുന്ന ഈ സംഭവം, ഇത് ഐ സിയിലേക്ക് വരുന്ന പോയിൻ്റ് വോൾട്ടേജ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഈ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സർവീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനും എല്ലാം ഇന്ന് വളരെ ഈസിയായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു. ഇതുവരെ ഞാൻ ഹാർഡ്വെയർ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ അറിയാം, ഹാർഡ്വെയർ ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ പോയിൻ്റിൽ ഈ വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻ്റിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജുകൾ കറക്റ്റ് ഐ സിയിലേക്ക് വരുന്ന വിധം അത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ദേവ് സാറ് ഇന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 12-13 മണിക്കൂറാണ് ഇത് ഒരു 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ബേസ് ഇല്ലാത്തവർ പോലും ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും, പഠിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ. അതിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പവർ ഐ സി, അതുപോലെ ആക്ച്വലി ജമ്മ യഹാ ആയാ താ യഹി ദിൽ മേ ലഗ് റഹാ താ കി ക്യാ പതാ സീഖ് പാതാ ഹൂം നഹീ സീഖ് പാതാ ഹൂം, तो उसके मैंने भी सोचा कि चलो चलते एक दफे ऐसे अटैक। आपने थोड़ा सा रिस्क लिया? यस सर, हमने और जो रिस्क लिया आपने उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रिस्क आपका रिस्क है या फिर रिस्क से बाहर निकल चुके हैं? नहीं सर, मैं रिस्क से बाहर निकल चुका हूँ सर। बाहर निकल चुके हैं? यस। अभी जो कंपोनेंट्स के बारे में, आईसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में जो क्लास हुई है सर, देव सर ने जो आपको क्लास दी है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर उसके बारे में बहुत अच्छा क्लास दिया है, गुड क्लास है सर का, देव सर ने जो क्लास दिया है सर बहुत बढ़िया, जितना कम बोले उससे ज़्यादा ही है। नहीं लगा? नहीं।
कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे अप होता है नहीं होता? होता है सर। मोटिवेट करते हैं नहीं मोटिवेट करते हैं सर? यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं सारे ने किया है या फिर अकेले आपने किया है? नहीं सबने किया है। सबने किया है? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि हमने आपसे झूठ बोलने को बोला हो कि आपसे आम ना हुआ हो, हमने आपको समोसा खिला नहीं, नहीं, बोला हो? नहीं सर। कि दे दो रिव्यू? नहीं नहीं फेक तो नहीं बोल रहे हैं? नो सर। चलिए ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बढ़िया रहा सर। क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो? सर काम देख कर ज्वाइन करो। काम देख के आप हो सकते हैं? चलिए ठीक है। क्या बोलेंगे आप देव सर के लिए जो जिनके साथ आपकी बेस्ट कंपोनेंट्स की क्लास हुई है? सभी बेस्ट हैं। सभी बेस्ट हैं? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? शाबाश भाटकर सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं आप। तो चलिए बताइए आज आपका तीसरे दिन के कॉन्सेप्ट ऐसा था कि चालू फ़ोन से पावर आईसी निकाल के आपको दोबारा फ़ोन को चालू करना था। यस सर। अगर फ़ोन आपसे चालू नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं आपके साथ? सर वापस से जो प्रैक्टिस है वो कराते हैं। कराते हैं? यहाँ पे टाइमिंग का कोई बाउंडेशन है क्या? नहीं सर कोई बात। कितने बजे आपकी सुबह में क्लास लगी? सर सुबह में हमारी 8 बजे सर। पर डे का कितने देर का क्लास होता है? पर डे का 12-13 घंटे हो जाता है। 12-13 घंटा? ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही हम लोग का टाइमिंग खत्म होता हो हम आपको बोलते हैं चलो चलो निकलो जाओ? नहीं जाओ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सब सर कोऑपरेट करते हैं और सिखाने के लिए तो सर एंडलेस नॉलेज है सर यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि कोई टीचर आपको नया नया मतलब नौसुखिया लगता हो आपको? नहीं सर नहीं सर, सभी टीचर है ना वो बहुत एक्सपीरियंस है सर। अभी आपकी 3 दिन की ही क्लास हुई है, आगे अभी आपका पूरा सेक्शन बाकी है। 3 दिन के अंदर आपका क्या सोच है कि मतलब आगे आप सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? सर बहुत सीख पाऊंगा, जितना हो सके उतना ग्रैब करूंगा। ओवरऑल ये पावर आईसी निकाल के लगा के फ़ोन को चालू करके आपको कैसा फील हुआ? सर बहुत सही लगा। मैं तो पहले थोड़ा सा ये हिचकिचा रहा था लेकिन जिस ट्रिक से मैंने किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने उसको बिठा दिया। पैसा वसूल ऐसा बोलते हैं कि नहीं? सर हाँ सर पैसा वसूल आपका हुआ? आपका पैसा वसूल हुआ? हाँ सर हाँ सर। तो यहाँ देख पा रहे होंगे फ़ोन चालू है, अभी आपने थोड़ा देर पहले लाइव देखा होगा आपने, ये इनके पार्टनर का फ़ोन है और ये अपने पार्टनर से लेके फ़ोन को इसको चालू किया इन्होंने। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे जो नया स्टूडेंट एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं? सर आप जो भी नया स्टूडेंट आना चाहता है वो वेलकम है और जिसको एंडलेस नॉलेज चाहिए तो वो यहाँ पे आए सर। चलिए एक ही वर्ड में मैं बोलूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष गुजर। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं? राजस्थान में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बगल में गुजरात में है, दिल्ली में है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। तो आप यहाँ एशिया टेलीकॉम क्यों? सर एशिया टेलीकॉम पे सर इस वजह से आया कि मैंने पहले रिसर्च किया और रिव्यू देखा, यूट्यूब पे देखा देव सर के बारे में जैसा पढ़ाते हैं, यहाँ का बच्चों का एक्सपीरियंस देखा और उनके काम करने का तरीका हमने लाइव देखा, फिर यहाँ आने के बाद हमने खुद किया तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। तो आपने जब आई सी सी पी यू रिवॉल्व किया था? जी सर। सी पी यू रिवॉल्विंग के बाद ऐसा तो नहीं है कि रिवॉल्व करके हमने छुड़वा दिया हो, उसको टेस्ट ना किया हो? नहीं सर, टेस्ट करना बताया, अगर कुछ मिस्टेक हमको लगा अपनी तरफ से कि अपन को कुछ गलती या कुछ लग रहा है महसूस हो रहा है तो हमने पूछा, उसको बारीकी से बताया भी और हमने किया भी सही, 1-2-3-4-5 बार हमने किया, एकदम सही किया। तो ये जो रिव्यू आप दे रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हमने आपसे फेक नहीं मांगा हो? नहीं सर, रिव्यू अगर कोई देगा तो अपने रिजल्ट के तौर पर देगा, ऐसा कि नहीं किसी के दबाव में देगा या कोई अपने काम पे देगा। और दूसरा ये है कि जितने भी भाई हैं जो इस लाइन में जो काम करने चाहते हैं या कर रहे हैं, जो आधे अधूरे अटके हैं वो कहीं भटके नहीं, सीधा एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें, उनके लिए बहुत बढ़िया फ्यूचर यहाँ पे उनको मिलेगा। चलिए ठीक है, पैसा वसूल जैसे बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है यहाँ पे काम, पैसा वसूल है, मतलब 1% भी आपको ये नहीं लगेगा कोई आपको यहाँ पे गलत बताया जा रहा है या गलत नॉलेज दी जा रही है, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। यहाँ आने के बाद एकदम राइट यहाँ की जो पोजीशन है, काम करने का तरीका है, वो यहाँ पे मिलेगा। पैसा वसूल जैसा? बिल्कुल पैसा वसूल। आपका हुआ? बिल्कुल, 3 दिन में हो गया सर, अभी तो बहुत टाइम बाकी, तो अभी बहुत कुछ करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सर। अजय जी कहाँ से हैं आप? जी लखनऊ से सर। लखनऊ से हैं जी। चलिए ठीक है, आज आपका कितने दिन का क्लास हुआ? 3 दिन का सर, आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के क्लास में आपका क्या कॉन्सेप्ट था? सर ऑन सेट से सर पावर आईसी निकाल के उसमें लगाना था और सेम सिचुएशन में लाना था उसको, चालू भी करना था आपको? यस सर। तो एक बार बताइए आज आपके 3 दिन के क्लास में आज कोई सा भी सीपीयू अगर हम दे दें आपको, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी या फिर जाइनॉक्स, कोई सा भी सीपीयू दे दें तो उसमें हम बोलें आपको कि कौन सा आपका डीसी टू डीसी है, कौन सा आपका मेन पावर है,
ये सब सारी चीज़ें आप बता पाएंगे? यस सर, आज पूरा आईसी का आइडेंटिफिकेशन किया गया सर, देव सर के क्लास में पूरा A to Z, मतलब हम लोग को मदरबोर्ड का देखने का नज़रिया पूरा बदल गया सर। मतलब हम लोग को पहले नॉलेज नहीं था कि ये क्या है, ये क्या है, अब तो पूरा सर एकदम क्लियर है। क्लियर है? यस सर। इसके पहले पता था ये सब सारी चीज़ें? नो सर, नहीं पता। आप कितने दिनों से मोबाइल के फील्ड में? सर हैं 1 साल से, बट ये सब चीज़ें सिर्फ देखते थे सर। और आज समझ में आया? आज समझ में आ गया पूरा सर। पैसा वसूल, जैसा कि बोलते हैं पैसा वसूल है कि नहीं? यस सर, पैसा से वसूल। यस सर। अब बोर्ड में कोई सा भी कंप्लेंट आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा काम करता है, पैलर लगा है, एक्सरील लगा है? यस सर। वर्किंग सारी चीज़ें पता है? यस सर, वर्किंग और आईसी का भी पूरा। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे नए स्टूडेंट के लिए जो आना चाहते हो? जो नए स्टूडेंट हैं, हम भी एक दिन नए स्टूडेंट थे, सर का रिव्यू और वीडियो वगैरह देख के, मतलब जो सर का बोलने का एनर्जी है क्लास में या फिर आप ऑनलाइन जो वीडियोज हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने को मिलता है सर। जो एनर्जी में वो सर बोलते हैं, जो एनर्जी में पढ़ाते हैं सर, तो आएँ और ज्वाइन करें, एकदम पूरा पैसा वसूल है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके सर। यही 2-3 महीने से। 2-3 महीने से मतलब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं? फ्रेशर है, हमें कुछ नहीं। क्या करते थे आप पहले? दुकान पे रहते थे ऐसे ही, नॉर्मली वही। नॉर्मली रहते थे आप? जी सर। मतलब चार्जिंग के नेटवर्क लगा लेते थे आप? नहीं सर, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कर पाते? अब डायरेक्ट आईसी पे काम कर रहे हैं? जी सर। जी सर। 3 दिन के अंदर? जी सर। कहाँ पॉसिबल है सब सारी चीज़ें? ये सर पॉसिबल नहीं था। कहाँ पॉसिबल हुआ फिर? अब ये एशिया टेलीकॉम पॉसिबल। तो आपको देख के, देखिए फ्रेशर स्टूडेंट बहुत देख रहे हैं, तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो काम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? जी सर, वो एशिया टेलीकॉम में आए और अपना फ्यूचर बनाए। मेहनत करने का डेडिकेशन होना चाहिए उनके अंदर, है कि नहीं? है सर। 12 घंटे 14 घंटे आपका क्लास लगता है यहाँ पे? सर लाइफ में पहली बार इतना क्लास कर रहे हैं। लाइफ में पहली बार इतना मेहनत कर रहे हैं क्लास लिए? सही बात है, बहुत सारे स्टूडेंट अपने ऐसे हैं जो ऐसा बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी कहाँ से हैं आप? मैं तमिलनाडु से। चेहरे पे बहुत स्माइल लेके आ जाते हैं, कुछ मिल गया क्या आज आपको? मिल गया यहाँ आके ज़्यादा लग रहा है, मतलब मैं सोच के आया वही यहाँ मिल रहा है। जो चीज़ सोच के आया वही मिल रहा है कि उससे ज़्यादा भी मिल रहा है? उससे ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है? हाँ। तो मैं बात करूँ आपसे, आज के 3rd दिन की क्लास है, तो आज 3rd दिन के क्लास में आपको क्या मिला? आज है ना पावर आईसी निकाल के लगाया जी। चालू फोन से या बंद फोन से? चालू फोन से लगाया। चालू फोन से पावर आईसी निकाल के लगाया? हाँ जी। कितने दिनों से आप इस मोबाइल के फील्ड में? मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। बिल्कुल भी फ्रेशर है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपांकर शर्मा है। थोड़ा सा तेज बोलिए। सर मेरा नाम दीपांकर शर्मा है। दीपांकर जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? दिल्ली? अरे बहुत बड़ी जगह से आए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे। यस सर। गिनती कम पड़ जाएगी जितने इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे। यस सर। जबलपुर के? जबलपुर सर रिव्यू देख के स्टूडेंटों का, क्योंकि पॉजिटिव एक एनर्जी आती है उससे, और ये लगता है कि हाँ स्टूडेंट कर सकते तो हम, मैं क्यों नहीं। तो जो लगता था अभी क्या है? सर अब तो और भी कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मतलब कर लूँगा। कर लेंगे हम। जी सर। तो ये जो आपकी 3 दिन की क्लास हुई है आज, आपकी किस चीज़ का कॉन्सेप्ट था? सर आज एक तो सर आईसी की पहचान थी और आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी। आपकी किसके साथ थी? सर देव सर के साथ। देव सर के साथ जो आइडेंटिफिकेशन की क्लास हुई है, कैसा रहा क्लास? सर बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। अभी जो सर बोलते थे बोर्ड देखने का नज़रिया बदल देंगे आईसी देख के, तो अभी आईसी देख के आप बता सकते हैं कि इसमें आरएफ कौन सी लगी हुई है? Yes, पीएफ कौन सी लगी हुई है? यस सर। वाईफाई आईसी कौन सी लगी हुई है? सेकंड पावर कौन सा है? फर्स्ट पावर कौन सा है? यस सर। ऑल ओवर। और बॉल्स को जो पढ़ने का तरीका होता है, लेग वाले का अलग और बॉल्स वाले अलग, तो ये सब सारी ट्रिक्स आपको बताएं सर? नहीं बताएं सर, परफेक्ट तरीके से बताइए सर। क्या नाम है आपका? जी सर विशाल सैनी। विशाल जी कहाँ से हैं? यूपी। यूपी से हैं आप? तो चलिए मैं बात करूँगा, आज आपका कितने दिन का क्लास हुआ? आज 3rd दिन का है। 3 दिन के क्लास में आज आपका क्या काम था? आज मेरे को पूरा मतलब बोर्ड का जितना आईसी है सबको पहले पहचान किया गया। सुबह में जियो का फ़ोन का लाइव जियो, उसको पावर आईसी निकाल कर लगवाया गया। तो कितने दिन की क्लास हुई थी आपकी सुबह में? सुबह में तो 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटे में आपने क्या किया था? आईसी रिवॉल्विंग और ऑन किया लगा। कौन सा फ़ोन ऑन किया था आपने? Note 5 MI Note 5। इसका चालू फ़ोन से पावर आईसी आपने निकाला था? जी। और तो आपने इसी को चालू किया? इसी को चालू किया। और आपका वीडियो यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा, इन्होंने बिल्कुल लाइव किया था। ऐसा तो नहीं है कि जियो का पावर आईसी और इसका पावर आईसी अलग है?
ये इसका अलग है, नंबर सब अलग है। नंबर अलग है पर ट्रिक रिवॉल्व करने का तरीका, लगाने का तरीका क्या अलग है क्या? नहीं सब सेम। सेम है ना, सब सेम। तो ओवरऑल मैं बात करूँ कि जियो भी 4G फ़ोन होता है, ये भी 4G फ़ोन है और आप इसका CPU भी करने वाले हैं कल जी। तो ओवरऑल कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? मैं बात करूँ 3 दिन के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, आईसी आइडेंटिफिकेशन की जो क्लास हुई आपकी देव सर के साथ में, इसके बारे में पूछूं तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन है। अर्जुन जी कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से हैं। नेपाल से बहुत दूर आप इंडिया में आए हैं और इंडिया में जबलपुर जी। कैसा लगा आपको जबलपुर में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। डेली घूमने जाते हैं? नहीं जाते। नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। सुबह 8 बजे रात को 10-11 बजे तक यहीं रहते हैं, कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। यस, क्योंकि आप घूमने नहीं आए हैं जी सर, है ना? जी सर। मैं बात करूँ आपसे 3 दिन के क्लास में, तो 3 दिन के क्लास में आपका कैसा रिस्पांस रहा, कैसा फीडबैक रहा आपका, क्या बोलना चाहेंगे 3 दिन के क्लास में? जो आपका कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 और IC आइडेंटिफिकेशन की क्लास जो देव सर के साथ में हुई है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है ना, देव सर ऐसा पढ़ाते कि जो नॉर्मल से लेके हाई तक जितना हो सके वो देने की कोशिश करते हैं और हमने जितने हो सके उतने लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार में समझ में भी नहीं आ रहा इतने पढ़ाते हैं कि, लेकिन नोट करते हैं वो रूम में जाके, फिर उसको देखते हैं, फिर यहाँ प्रैक्टिकल करते और सब समझ में आ रहे हैं हमें। चलिए ठीक है, अगर आपको हिंदी बोलने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल बेझिझक आप नेपाली में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे व्यूअर्स नेपाल के भी बहुत सारे हैं और मुझे नेपाल से देख रहा हूँ, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अपनी लैंग्वेज बोलिए, कोई इशू नहीं। जो पर जो कहीं यहाँ आना चाहनुहुन्छ वहाँ निर्दक्ख भएर आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यति राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ कि जो जसलाई जो चाहिएछ चाहिन्छ त्यो चाहिँ यहाँ पाउन सकिन्छ। आउनलाई चाहिँ समस्या भएमा चाहिँ यहाँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। नेपाल से धेरै आउनु भएको छ पढ्नलाई, है? पैसा वसुल जैसा बोलते हैं, पैसा वसुल है। आपने फोन चालू किया क्लास में, आप तीसरे दिन के क्लास में आपने क्या किया? तीसरे दिन के क्लास में यही थी, रिवॉल्व किए थे IC। कौन सी IC थी? DC to DC IC आपने निकाल के रिवॉल्व किया था। एक बात बताइए, DC to DC अगर आप निकाल दो तो फोन चालू होगा क्या आपका? जी चालू होगा। DC to DC निकालने पे चालू होगा? नहीं चालू होगा ना, क्योंकि वो देखिए आगे आप जैसे जैसे सेक्शन आप अटेंड करेंगे आपको पता चलेगा एक एक IC का क्या वैल्यू होता है, क्या काम करता है। आज जो आपकी देव सर के साथ IC आइडेंटिफिकेशन की जो क्लास हुई है, कैसा रहा क्लास आपका? बहुत बढ़िया। आज आप कोई सा भी CPU आपको दे दें तो आप बता पाएंगे उसमें कि कौन सी सब IC है, कौन सा मेन PM है, कौन सा DC to DC है, सब सारी चीज़ आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे जी। कौन सी नेटवर्क IC लगी है, कौन सा RF है, कौन सा PF है, बता पाएंगे? IC आइडेंटिफिकेशन के बाद जो सा कि सर बोलते हैं कि आपका देखने का नज़रिया बदल देंगे, आपका बदला? एकदम बदला। आप क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो? एशिया टेलीकॉम कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो एकदम आ सकते हैं, बिंदास आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी आए हैं विश्वास से ही आए हैं, कहें कि 3 साल से हम इन मतलब कि इनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल से फॉलो कर रहे हैं तो हम विश्वास से ही आए हैं। विश्वास से आए तो यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा निकल रहा है। अच्छा निकल रहा है। क्या नाम है आपका? दिवाकर कुमार। थोड़ा सा तेज बोलिए दिवाकर जी, कहाँ से हैं आप? UP से। UP से हैं तो आपकी आवाज़ UP, दिल्ली, लखनऊ सारे जगह जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी सर, जाएगी ना। थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा बूस्ट करिए। तो मैं आपसे बात करूँ, 3 दिन के क्लास में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले दिन जब आप सुबह के क्लास अटेंड किए थे तो उस टाइम आपने क्या किया था? उस टाइम सर EMMC रिवॉल्व किया था जी सर। दूसरे दिन में आपने CPU रिवॉल्व किया था जी सर। यूनिवर्सल से किया था या फिर पर्टिकुलर स्टेंसिल से किया था? यूनिवर्सल से किया था। यूनिवर्सल से किया था आपने? तो यूनिवर्सल में CPU रिवॉल्व करना बहुत बड़ी बात है क्या? नो सर, इजी हो गया कि नहीं हो गया? नाम इजी। तो अगर मैं बात करूँ 3 दिन के क्लास की, तो जैसा कि सर बोलते हैं कि 3 दिन के अंदर आप 3 दिन में आपका बोर्ड देखने का नज़रिया बदल देंगे, तो अभी आपका नज़रिया बदला कि नहीं बना? सर बहुत बदल चुका है। पहले तो मैं इस बोर्ड को देखता था ना तो मुझे तो समझे नहीं आ रहा आता था कि कौन सी IC क्या है, क्या काम करती है, क्या करती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे देखने के बाद ये पता चलता है कि ये मोबाइल में कुछ है ही नहीं है। सर ने इतना नॉलेज जो हम लोग को दिया, काफ़ी समझाया, इसके बाद हम लोग
ये सेट देखने का जो नजरिया है बिल्कुल ही बदल गया, काफ़ी इजी लगने लगा। एक एक आईसी आप डायग्नोस कर पाएंगे कि ये आईसी क्या काम करती है, ये आईसी क्या काम करेगी? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी 3 दिन का दिन हुआ और आगे भी और कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है। ऐसा तो नहीं कोई चीज़ आप किसी टीचर से पूछते हो तो बताने में हिचकिचाते हो या फिर आपको डांट के बैठा देते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट जब तक इसको डाउट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक सर से पूछता रहता है और सर बताते रहते हैं। क्लास की टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ आपसे तो क्लास की टाइमिंग क्या है? सर क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे से ले कर शाम को 11:30 बजे तक चलती है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराया जाता है और काफ़ी डीप नॉलेज के साथ कराया जाता है। अच्छा मैं बात करूं दिवाकर जी की, कुछ लोगों का भी हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है कि वो पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास मिलेगा क्या? अगर चलिए मैं ऑनलाइन क्लास दे दूँ, थ्योरी तो हम ऑनलाइन दे देंगे, बट प्रैक्टिकल का क्या करेंगे? प्रैक्टिकल इसमें तो उन लोगों को काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ पे अगर आप कोई कमी गलती करते हैं तो उसको देखने के लिए आपके पीछे बैकग्राउंड में टीचर होते हैं जी सर। अगर आपको ऑनलाइन क्लास दें, अगर मान लीजिए आप यहाँ ना आके अगर ऑनलाइन कहीं से भी, हम तो ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बट अगर ऑनलाइन क्लास अदरवाइज कहीं से लेते हैं तो क्या वो चीज़ मिल पाएगी जो चीज़ आपको यहाँ पे लाइव मिलती है? भाई पहली बार मैं ये बता दूँ ना, यदि किसी की मन में डाउट है कि मैं ऑनलाइन करके और मैं डीप नॉलेज रख लूँ तो ये बिल्कुल आप लोग गलत समझ रहे हैं। यदि आपको अच्छी नॉलेज और डीप नॉलेज चाहिए तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करना पड़ेगा और सबसे बेस्ट है कि आप सर का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा और काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो आप जो गलती करेंगे, बाय द वे हैंड स्किल की बात करें तो हैंड स्किल सही आपको परख मिल जाएगा कि आप हैंड स्किल पे सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एज अला कि मान लीजिए अगर मैंने आपसे आईसी रिवॉल्व करवाता हूँ तो आप ट्यूजर पकड़ने का तरीका हम पहले बताते हैं आपको, सबसे पहले आईसी रिवॉल्व करने का जो तरीका बताते हैं हम लोग, थ्यूरी देते हैं और उसके बाद आपसे प्रैक्टिकल में करवाते हैं और एक एक टीचर पीछे से घूम घूम के आपकी कमियाँ देखता है, जहाँ पर आपकी कमियाँ दिखती हैं वहाँ पर आपको बताता है और सुधार करता है ना, तो वो चीज़ ऑनलाइन हो पाएगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और प्रैक्टिकल लाइफ प्रैक्टिकल में और ऑनलाइन में काफ़ी डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है, देखा जाए तो दो एक नदी के दो किनारों की तरह हो गए दम। बिल्कुल चलिए ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी अभी तक तीन दिन में बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम लोग सीख रहे हैं, दिन पे दिन सीख रहे हैं, एक्साइटेड होते हैं हर एक अगले क्लास के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ मुलानी है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। चलिए मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा, जो भी चीज़ें हैं आप खुद से बोलिए। आज हमारा ये आईसी का क्लास हो गया, आईसी आइडेंटिफिकेशन का क्लास हो गया, सीपीयू देख के आज अभी मैं सीपीयू देख के वो सीपीयू में लगे हुए छोटे छोटे जो आईसी है उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उनको देख के पहचान सकता हूँ कौन से क्वालकॉम में कौन सा होता है, मेडिटेक में कौन सा होता है या जायकॉम में कौन सा होता है। अभी क्लास की टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ आपसे तो क्लास के टाइमिंग का कोई बाउंडेशन है क्या? नो सर, सुबह 8 बजे आए, अभी 10:30 बजे पूरा 14 घंटे का क्लास होता है यहाँ पे, 11 बजे तक अभी क्लास चालू रहे। कल के भी लगाया आपने? चालू फोन से पावर आईसी निकाल के माउंट रिमाउंट किया, सक्सेसफुल हो गया वन टाइम में। सर ने जो ट्रिक बताया था उसके हिसाब से मेरे को ईजी हो गया, वन टाइम में हो गया। पैसा वसूल है कि नहीं? हाँ सर, फुल पैसा वसूल है। आपका हुआ? आपका पैसा वसूल हुआ? हाँ सर, आज मेरा पैसा पूरा वसूल हो गया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ सर। इसे मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?